आज मैं जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है एक माउस। जी हाँ, वही माउस जिसे कि आप अपने घरों में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स के साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस माउस की फुल स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे किस प्राइस में खरीद सकते हैं और कहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं और क्या वाकई ये प्रोडक्ट परचेज करने लायक है या नहीं है। इन सारे बातों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, यहाँ पर है एक माउस का बॉक्स और एक क्लॉथ। अब मुझे नहीं पता कि इसे आप एग्जैक्टली क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो भी है इसका नाम। ताकि मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, मैं तो इसे क्लॉथ ही कहूंगा। इसके ऊपर आप आसानी से माउस को रख के काम कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे अगर आप नीचे कहीं भी जैसे इस सरफेस पे आप माउस को रखते हैं तो काफी रफ सरफेस है तो कुछ माउस को भी डैमेज हो सकता है। अगर आप इसके ऊपर रख के काम करें तो काफी अच्छा है, ठीक है। और ये है वो माउस का बॉक्स जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं इसी प्रोडक्ट के बारे में आज आपको फुल स्पेसिफिकेशंस दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहां से इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और किस प्राइस रेंज में इसे आप परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप सारी चीजें समझ पाएंगे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिए जाएं जिससे कि आप पहचान सके कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज नहीं करना चाहिए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आप ही लोगों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, इस माउस का बॉक्स है ये और इस बॉक्स के ऊपर ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लग एंड प्ले यूएसबी, यानी कि ये यूएसबी केबल के साथ में ये माउस आता है, अटैच यूएसबी केबल है इसके साथ में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी कंफर्टेबल है और इसमें एलईडी लाइट वगैरह भी है और बाकी यहाँ पर कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है इस माउस के बारे में। और माउस का तो क्या काम होता है तो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे, इसे आप पीसी के साथ में, लैपटॉप के साथ में या मोबाइल फोन के साथ में अटैच कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल फोन से एक चीज याद आई कि आप इस मोबाइल फोन के साथ में माउस को कैसे अटैच करेंगे, ये आपके दिमाग में काफी टाइम आता होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो इसी के बारे में डालूंगा कि आप एक मोबाइल फोन के साथ में माउस को कैसे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों के साथ में डाउट होता है कि आप मोबाइल फोन के साथ में माउस को कैसे अटैच करें क्योंकि उन्हें काफी टाइम जरूरत पड़ती है और वो अगर चाहते हैं कि वो मोबाइल फोन के साथ में माउस अटैच करें तो मैं आपको प्रॉपरली अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वो वीडियो आप मिस ना करें। तो आपको पीछे भी आप देखने को मिल रहा होगा माउस के बॉक्स के पीछे कि क्या है, यहाँ पर कुछ खास दे नहीं रखा वैसे। हाँ, एक चीज दे रखी है कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, वो चाइना में है कंपनी तो उसका एड्रेस यहाँ देख सकते हैं और मेड इन चाइना लिखा हुआ भी है। और बाकी यहाँ पर कुछ स्कैन वगैरह करने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ और भी बातें बता रखी हैं की फीचर्स के अंदर, वो भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको इनको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ में कोई भी यूजर मैनुअल वगैरह नहीं आती है तो आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसा प्रोडक्ट है, मतलब कुछ भी यूजर मैनुअल भी नहीं, ना ही कुछ ऐसा बॉक्स भी इसका कुछ इसी तरह से है और दिखने में भी कुछ खास नहीं, तो आपको लग ही रहा होगा कि यार कैसा प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, जब मैं इसकी प्राइस आपको बताऊंगा ना तो आप ये सोचोगे कि यार जो ये लोग दे रहे हैं ना इस प्राइस रेंज में तो वो शायद ही कोई और कंपनी दे रही हो और हाँ इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट है और हाँ जितनी हम पे कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें मिल रहा है, ये आपको डेफिनेटली लगेगा। तो चलिए बिना देर किए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये ओपन होता है, मैंने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ से मैंने इस माउस को भी बाहर निकाल लिया है और अब मैं इस रख देता हूँ इस बॉक्स को साइड में क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत है नहीं। माउस कुछ ऐसा दिखता है, आप सब देख ही सकते हैं, इसके साथ अटैच यूएसबी केबल है और इसकी क्वालिटी काफी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा काफी बढ़िया है या फिर काफी खराब है, बिल्कुल ठीक ठीक क्वालिटी है इसकी और हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज जिस प्राइस में हमें मिल रहा है ना वो बहुत कम है। इन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है इस प्राइस रेंज में, ये काफी कुछ है, मतलब काफी सही है, बाकी हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्राइस काफी कम है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इसकी जो पीछे से, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेड इन चाइना और बाकी सारी चीजें लिखी हुई है और क्वालिटी भी आप इसके आगे पीछे से देख सकते हैं किस तरीके की है। मैं कुछ खास नहीं कहूंगा इसकी क्वालिटी को लेकिन हाँ प्राइस रेंज में बेस्ट है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये जो यूएसबी केबल है इसके सहारे आप इसे माउस को, यानी माउस को कनेक्ट कर सकते हैं आप फोन के साथ में, लैपटॉप्स के साथ में या कंप्यूटर्स के साथ में, ठीक है। और यूएसबी केबल इसकी काफी बड़ी है तो आपको ज्यादा परेशानी, मतलब कोई बात ही नहीं है, परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है, इसके अंदर काफी बड़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आसानी से इसे कनेक्ट कर सकते हैं।
बाकी माउस कुछ ऐसी तरह से दिखता है, मैंने आपको बता दिया, ये है आगे पीछे करने के लिए, आप तो जानते ही होंगे, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए है ये, और ये है राइट क्लिक और ये है लेफ्ट क्लिक, बस इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, माउस के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। और ये है वो क्लॉथ जिसकी मैंने आपको बताई थी, और एग्जैक्ट नाम इसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। बस बाकी मैं आपको यही बताना चाह रहा था इस प्रोडक्ट के बारे में। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज इसे लाइक करना। अब मेरा ड्यूटी रह गई है इसकी जो प्राइस वगैरह बताने की और कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं वो सब बताने की, तो अब मैं आप धीरे धीरे इन सारी चीजों को आपके सामने लेके आता हूँ। जिसे इस प्रोडक्ट को आप जहाँ से परचेज कर सकते हैं वो है पेटीएम मॉल, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये अमेजोन पे मिलता है या फ्लिपकार्ट पे मिलता है, मैंने तो इसे डायरेक्टली पेटीएम मॉल से परचेज किया था और काफी जल्दी ही ये डिलीवर हो गया, यानी कि 2-3 दिन में ही डिलीवर हो गया था ये मेरे को। ये तो वैसे आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, आप कहाँ रहते हैं उस हिसाब से डिलीवर होगा, बाकी आप इसे पेटीएम मॉल से मंगा सकते हैं। अब आपको एक चीज बता दूं कि इसके साथ में आपको ना तो ऐसा कुछ मिलेगा कि आप इसे रिटर्न कर सकें या इसे रिप्लेस करा सकें, और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई वारंटी या गारंटी है। तो आप जब भी प्रोडक्ट मंगाए थोड़ा देख के मंगाए, सोच के मंगाए कि अगर आपको रिप्लेस कराना पड़ा तो क्या सच में आप करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आप नहीं करा पाएंगे मुझे पता है, और फिर आप मुझे ही कहेंगे कि यार हमारे मतलब खराब प्रोडक्ट आ गया, अब हम इसे रिप्लेस नहीं करा पा रहे, तुम्हारे कहने पे हमने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है, तो आप मुझे ही कहेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही इस चीज से आगाह कर रहा हूँ कि आप इसे रिप्लेस नहीं करा सकते हैं, ना ही आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। आपके पास में प्रोडक्ट आ गया तो बस आ गया, अब वो जैसा भी आता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि खराब आएगा, बाकी सही प्रोडक्ट ही आएगा कि मेरे पास में सही डिलीवरी हुआ है। और मैं आपको इसकी जो प्राइस बताऊंगा तो आप सच में सरप्राइज हो जाएंगे। इसकी जो प्राइस है वो है केवल 156 रुपीज, केवल 156 रुपए में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, इस क्लॉथ के साथ में मिलेगा, ठीक है, और आपके घर तक पहुंच जाएगा। और इसके अंदर कोई भी शिपिंग चार्जेस वगैरह मुझे तो पे नहीं करने पड़े थे। अब मुझे नहीं पता कि आप किस लोकेशन पे रहते हैं, तो आपको हो सकता है कि पे करने पड़ जाए, बाकी मुझे तो कुछ भी शिपिंग चार्जेस वगैरह नहीं पे करने पड़े थे। हाँ एक चीज है इसके अंदर कि आपको जो कैशबैक है वो भी आपको मिलेगा इसके ऊपर, जो भी ऑफर्स वगैरह होते हैं। तो मुझे इसमें पेटीएम कैशबैक मिला था अराउंड 20 रुपीज, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 156 में से 20 रुपीज अगर मैं लेस कर देता हूँ तो कितना बचता है। तो इतने का ही ये मुझे माउस पड़ा था, 136 रुपीज का ये मुझे माउस पड़ा था, और काफी सस्ता मेरे को मिल गया है। अब आपको भी मिलता है या नहीं मिलता है वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, बाकी मुझे तो मिल गया था और मैं उम्मीद करूंगा आपको भी मिल ही जाए। तो बस यही सब कुछ था इस माउस के बारे में बताने के लिए, और कोई भी डाउट हो आपका कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वापस मैं कह रहा हूँ कि आप इसे रिप्लेस रिटर्न नहीं कर सकते हैं और इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप अपनी रिस्क के ऊपर मंगाएं। तो मैंने जैसा कि कहा, आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो भी कोई माउस खरीदना चाह रहा है उसका बजट ज्यादा नहीं है तो वो उसे इस वीडियो को देख के फायदा मिल सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और भी गैजेट से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूंगा। और साथ ही मैं अगला वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे एक माउस को एक मोबाइल फोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको एक वीडियो में बता रखा है कि कैसे आप एक कीबोर्ड को मोबाइल फोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के। और बाकी अब मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कैसे आप अपने माउस को मोबाइल फोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी आपको कहा कि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही है जो मोटिवेशन हमें प्रोवाइड करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कुछ ही वक्त में आपका रिप्लाई, आप जो भी डाउट है उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो आप क्या करना है आपको पता ही है। चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और नई गैजेट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।